नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त चला है आज के बुलेटिन का। मोहनपुर पंचजागा स्वामी समाज महिला मंडल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला मंडल के गठबंधन के बाद पहली बार समाज की वाड़ी में महिला मंडल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर आमंत्रित अतिथियों का फूल हार से स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में समारोह के अध्यक्ष श्रीमती कैलाशबेन जे चौहान, मुख्य अतिथि कुमारी कौशल्या कुंवरबा, प्रदेश अध्यक्ष गुजरात भाजपा, विशिष्ट अतिथि श्रीमती अर्चनाबेन चौहान, महिला अध्यक्ष नर्मदाबेन सोलंकी, मंत्री नयनाबेन चौहान, साथ ही समाज के महिला पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों, बहनों, बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए महिलाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज की बहनें उपस्थित रहीं। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहनों ने महिलाओं के विकास के लिए भाषण दिया और समाज के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश भाई परमार ने महिलाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चों के कार्यक्रम, नाटक, गरबा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके बाद बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया। महिला मंडल द्वारा आमंत्रित सभी अतिथियों ने एक साथ भोजन का लाभ उठाया। इस प्रकार समाज की बहनों ने महिलाओं को प्रोत्साहित कर आगे लाने का प्रयास किया। नमस्ते, मुझे अर्चना देव सिंह चौहान, लेखक, निर्देशक और अभिनेत्री। आज जागा स्वामी महिला मंडल तरफथी एक सरस मजानो कार्यक्रम आयोजन करवामां आव्यो छे, जेमां बहनोना उत्थान माटे, बहनोने कई ट्रेनिंग मळी शके, बहनोने कई माहिती मळी शके एना माटे प्रयास करवामां आव्या छे। अने एना माटे आजे अमने अहींया आमंत्रित करवामां आवी छे, कौशल्या कुंवरબાને અહીં આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે, અને બહેનોનો જે પ્રયાસ છે ખૂબ જ બિરદાવવા લાયક છે। કારણ કે એવું કહેવાય છે કે એક દીકરી હોય છે, એક મહિલા હોય છે, બે કુળને તારે છે। એટલે દીકરીઓ એક દીકરી જો મજબૂત હશે તો આપણો દેશ મજબૂત હશે, આપણો સમાજ મજબૂત હશે, અને એનો પાયો ક્યાંક આજે આ મહિલા મંડળે નાખવાનો જે પ્રયાસ કર્યો છે એ અત્યંત બિરદાવવા લાયક છે। આજની ખબરોમાં ફિલહાલ એટલા હી, બની રહીએ લાઈવ ટીવી સમાચાર કે સાથ। નમસ્કાર।